Hello, students. This is Amit Kumar, your science teacher. At first, good morning to everyone. How are your students? I hope you all will be fine. Today, I brought your online class for, for the subject science, and the book is New Learn Well Science for a Standard 5. Okay. सबसे पहले मैं आप लोग को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ इसके कंटेंट से तो इसमें इंक्लूड किए गए हैं टोटल ट्वेल्व लेसन जिन्हें सिक्स यूनिट में डिवाइड किया गया है फर्स्ट यूनिट में दो लेसन को इंक्लूड किया गया है लेसन वन है ग्रोइंग प्लांट्स एंड लेसन टू है एनिमल्स वर्ल्ड तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे लेसन वन ग्रोइंग प्लांट्स ओके तो फॉन्ट आप लोगों को कुछ छोटा लग रहा होगा इसलिए मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ आप सभी भी रोटेशन मोड ऑन कर ले और इसे बड़ा कर ले ओके तो हमारा आज का टॉपिक है ग्रोइंग प्लांट्स ओके <coughs> सर्वप्रथम यहाँ पर दिया गया है डू यू रिमेम्बर क्या आप जानते हैं आई एम फाउंड क्लेश वॉल माई रूट कम्स आउट ऑफ वाटर फॉर एयर तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स वर्ड्स दिए गए हैं जिनके कुछ लेटर्स नहीं हैं उन्हें फिल करना है तो करा आई एम फाउंड इन क्लेश वाइल मैं क्लेश वाइल मतलब कि क्लेशल में पाया जाता हूँ क्लेश ऑयल वैसे शॉइल को कहा जाता है जिसमें ह्यूमस की मात्रा मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा मात्रा में होती है ओके बच्चों तो उनमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं उनमें ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं मिनरल्स तो ये वर्ड है एम आई एन ई आर ए एल एस ओके बच्चों मिनरल्स आप इसे अच्छे से लिख लें नंबर टू आई एम फाउंड ऑन हिल्स माई लिप्स आर आर निडल सेप्ड इनका लीफ क्या होते हैं होते हैं, और ये पाए जाते हैं जनरली कहां पर हिल्स में तो ये पाइन प्लांट है पी आई एन ए पाइन ओके नेक्स्ट है I float on water, but my leaves have waxy coated. तो जो भी प्लांट्स पोंड में पाए जाते हैं या वाटर में पाए जाते हैं उनके जो लीफ होते हैं वह वैक्सी होते हैं उनका उनकी जो सतहें होती है वे मोम की तरह वैक्सी होती हैं ताकि उन पर पड़ने वाले वाट जब उन पर वाटर पड़े तो वो आसानी से फिसल जाए ताकि लीफ पर ज़्यादा लोड न पड़े इसे और लीफ में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता रहे तो ऐसा कौन सा प्लांट है बच्चों तो ये है लोटस एल ओ सॉरी एक सेकेंड एल ओ टी यू एस लोटस आप इसे अच्छे से लिख लें उसके बाद है आई ग्रो ऑन डेड एंड डिकाइंग मीटर वह कौन सा प्लांट है जीव है लिविंग थिंग्स है जो ग्रो करता है डेड मरे हुए और सड़े गले चीज़ों पर तो यहाँ पर यू आर ओ एम है और इसके फ़ॉन्ट गायब हैं नहीं दिए गए हैं इन्हें बढ़ना है तो ये होगा मशरूम एम यू एस एच आर डबल ओ एम इसे आप अच्छे से लिख लें क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं वैरायटी ऑफ प्लांट्स आर फाउंड ऑन द अर्थ दे इंक्लूड्स ट्रीज हर्ब्स सर्प्स इटीसी हमारे अर्थ पर पृथ्वी पर बहुत प्रकार के पौधे पाए जाते हैं इनमें शामिल होते हैं ट्रीज हर्ब सर्फ क्लाइंबर्स क्रीपर्स द प्लांट कीप्स द प्लांट कीप ऑन इनक्रीजिंग इन नंबर बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जितने भी प्लांट्स हैं वे अपनी संख्या को में वृद्धि करते हैं जिस प्रोसेस के द्वारा उस प्रोसेस को कहा जाता है रिप्रोडक्शन प्लांट्स ही नहीं इवन एनिमल्स भी अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं अपने जैसे सेम संतति को जन्म देते हैं वह प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स लाइक देम सेल्फ इस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स अपने जैसे दूसरे प्लांट्स को जन्म देते हैं सो देयर स्पेसीज रिमेंस ऑन द अर्थ ताकि उनकी जो ये स्पेसीज है जाती है वह अर्थ पर रहे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैन अकर इन अ नंबर ऑफ वे प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है यह बहुत तरीक़ों से होता है मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड ज़्यादातर प्लांट सीड से रिप्रोड्यूस होते हैं बट कुछ ऐसे भी बट वाइल्ड सम ऑफ देम रिप्रोड्यूस थ्रू अदर प्लांट्स लाइक रूट्स स्टीम्स और लीव्स लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सीड के अलावे रूट्स स्टिम्स और लीव्स के थ्रू ग्रो करते हैं ओके okay? क्लियर है चलिए हमारा अगला टॉपिक है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स बीज के द्वारा रिप्रोडक्शन किस प्रकार होता है तो मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स ज़्यादातर प्लांट्स सीड के द्वारा ग्रो करते हैं सीड्स ग्रो इन टू सीडलिंग सीड्स सबसे पहले छोटे पौधे नन्हे पौधे सीडलिंग नन्हे पौधे में ग्रो करता है सीडलिंग में है नन्हा पौधा इन द प्रजेंस ऑफ वाटर एयर सनलाइट और किसकी उपस्थिति में सीड ग्रो करता है सीडलिंग में वाटर एयर और सनलाइट की उपस्थिति में अगर इन तीनों में से किसी एक की कमी होती है तो फिर सीड ग्रो नहीं कर पाएंगे इसलिए तीनों का होना अति आवश्यक है न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीडलिंग और सीडलिंग से नए पौधों का विकास होता है ओके स्ट्रक्चर ऑफ सीड सीड का स्ट्रक्चर अ सीड इज़ अ टाइनी लाइफ सपोर्टिंग पैकेज विच कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट सीड क्या होता है लाइफ को सपोर्ट करने वाला एक पैकेज होता है जिसके अंदर एक नन्हा पौधा न्यू प्लांट बंद रहता है कवर रहता है इट कंटेन्स मेनली थ्री पार्ट्स सीड में मेनली तीन पार्ट होते हैं सीड कोट होता है जिनका बाहर का जो पार्ट होता है उसे सीड कोट कहा जाता है यहाँ पर ये सबसे बाहरी जो आवरण देख रहे हैं आप ये है सीड कोट ये सबसे बाहरी आवरण ओके उसके बाद सीड लीव्स वेट 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 सी उसके बाद अगला है सीड लीव्स ये जो आप देख रहे हैं ये पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट ये कहलाते हैं सीड लीव्स और इसके अंदर एक छोटा सा नन्हहा सा बेबी प्लांट होता है जिसे कहा जाता है इम्ब्रायो क्या कहा जाता है इम्ब्रायो कहा जाता है क्लियर है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सीड कोट के विषय में ओके बच्चों सीड कोट इट इज़ द आउटर हार्ड कवरिंग विच प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट अनटिल द सीड जर्मिनेट सीड कोट क्या होता है कि सीड का सबसे बाहरी परत होता है और ये उसके अंदर बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है जब तक कि वह जर्मिनेट ना हो जाए जब तक कि वह नन्हा पौधे में तब्दील ना हो जाए नेक्स्ट है सीड लिप्स इनसाइड द सीड कोट यू विल सी द सीड लिप्स और कोटिलेंडंस सीड के अंदर दो भाग होते हैं ये दोनों भाग कहलाते हैं सीड लिप्स या कोटीलैंड दे कंटेन द स्टोर्ड फूड विच इज़ यूज बाय द ग्रोइंग सीडलिंग इनमें क्या होता है कोटी या फिर सीड लिप्स में स्टोर्ड होता है पर्याप्त मात्रा में फूड ताकि नन्हे पौधों के ग्रोथ में उसके विकास में प्रयु विकास में वो सहायक हो सके नेक्स्ट है सम सीड्स लाइक ग्राम पीस एंड बीन्स हैव टू कोटी कुछ सीड जैसे कि ग्राम पीज एंड बीन्स हैव टू कोटी ओके दैट दे दैट इज़ वाई सच सीड्स आर कोल्ड डाई और डायकोट सीड तो जिन सीड में दो कोटी होते हैं उन्हें कहा जाता है डाय और डायकोट सीड अदर सीड्स लाइक मेज वीट एंड राइस हैव ओनली वन कोटीलैंडन एंड आर कोल्ड मोनोकोटी लेंडनस तो जिनमें केवल एक कोटीलैंड होते हैं एक सीट लीव होता है उन्हें कहा जाता है मोनोकोटिलडनस और मोनोकोट सीट क्लियर है बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं अब है नन्हा बेबी प्लांट जो दोनों लीव के सीड लिप के बीच में होता है कोटिलेंडन्स के बीच में होता है उसे कहा जाता है तो एम्ब्रायो द एम्ब्रायो इज अ बेबी प्लांट विच लाइज बिटवीन द सीड लिप्स इम्ब्रायो क्या होता है कि एक नन्हा पौधा होता है जो दोनों सीड लिप्स या कोटिलेंडन के बीच में प्रजेंट होता है इम्ब्रायो कंटेंस टू पार्ट्स द रेडिकल एंड द प्लूमूले इम्ब्रायो के दो पार्ट होते हैं द रेडिकल और द प्लूमूले द रेडिकल डेवलप्स इनटू रूट रेडिकल पार्ट्स जो होते हैं से डेवलप होता है डेवलपमेंट होता है रूट का एंड प्लूमुल ग्रोथ इनटू स्टीम प्लूमूल पार्ट से ग्रोथ होता है स्टीम का क्लियर है बच्चों आगे है जर्मिनेशन ऑफ सीड अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है बच्चों तो आप वीडियो को पॉज कर लें और उसे री करके रिप्ले करके देखें पुनः ओके चलिए अगला आगे बढ़ते हैं अगला है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स तो सबसे पहले जर्मिनेशन होता क्या है तो जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग जर्मिनेशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा सीड डेवलप होता है सीडलिंग में नन्हे पौधे में इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर गिवेन वेलो या डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर जो नीचे दिए गए हैं जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक सीडलिंग के ग्रो के लिए आवश्यकता होती है वाटर की सनलाइट की और एयर की तो सबसे पहले वाटर इनसाइड वेट सॉइल मॉइस्टर सॉइल के भीतर द सीड ऑब्जर्व वाटर सीड क्या करते हैं वाटर को ऑब्जर्व करते हैं सोखते हैं वाटर सॉफ्टेंस सीड कोट वाटर क्या करता है सीड कोट को सीड के बाहरी कवर को सॉफ्ट बनाता है नॉर्मल बनाता है दिस हेल्प्स द बेबी प्लांट्स टू ब्रेक द सीड ओपन एंड कम आउट इससे क्या होता है कि बेबी प्लांट उसे सीड कोट को आसानी से ब्रेक करके बाहर आ सकता है क्लियर बच्चो? है बच्चों दूसरा है वार्म या सनलाइट इट मेक्स द सीड एक्टिव सनलाइट से सीड क्या होते हैं एक्टिव होते हैं स्ट्रोंग होते हैं अगला है एयर इट इज़ नीडेड बाय द सीड टू ब्रीथ एयर की आवश्यकता होती है सीड को सांस लेने के लिए सीड्स इफ कम्प्लीटली कवर्ड विद वाटर डू नोट जर्मिनेट बिकॉज दे डो नोट गेट एयर अगर सीड काफ़ी अंदर बो दिए जाएँ और उन्हें पर्याप्त मात्रा में एयर नहीं मिले तो वे ग्रो नहीं कर पाएंगे ओके बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक है मैं इसे जूम कर लेता हूं। हमारा अगला टॉपिक है सीड डिस्पर्सल एंड इट्स एजेंट सीड डिस्पर्सल कभी कभी हम लोग देखते हैं अपने आसपास कि वहाँ किसी प्लांट का पौधा नहीं होने के बाद भी वहाँ उसका सीड ग्रो कर जाता है यह कैसे होता है तो ये डिस्पर्सल होता है डिस्पर्सल होता है हवा के माध्यम से एनिमल्स के द्वारा वाटर के द्वारा बहुत सारे मिल्स हैं जिसके द्वारा सीड का डिस्पर्सल होता है अगर कोई कॉटन प्लांट है वह हवा के साथ उड़कर कहीं और चला गया तो वह वहाँ जर्मिनेट होता है नदी किनारे या समंदर किनारे कहीं नारियल का पेड़ है वहाँ से नारियल गिरा और पानी में गया तो वह पानी के साथ बहता हुआ तटों पर ग्रो करता है तो वाटर के द्वारा इस प्रकार डिस्पर्सल होता है किसी एनिमल्स के शरीर में कोई बीज चिपक गया और कहीं और जाके गिरा तो वहाँ पर उस बीज का बीज ग्रो करता है इसे ही कहा जाता है डिस्पर्सल ऑफ सीड तो आइए इसको और डिटेल में हम जानते हैं प्लांट्स आर फिक्स टू द ग्राउंड एंड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस प्लांट ग्राउंड में फिक्सड होते हैं वह एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव नहीं कर सकते हैं नहीं आ जा सकते हैं क्लियर है बच्चों इफ ऑल सीड फॉल एनजर्मिनेट नियर द प्लांट दे विल नोट गेट इनफ सनलाइट वाटर एंड स्पेस टू ग्रो अगर सारे सीड अब उसके पैरेंट प्लांट्स के इर्द गिर्द ही गिर जाए तो वहाँ पर इतने सारे प्लांट हो जाएंगे कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में सनलाइट वाटर और एयर नहीं मिलेंगे जिनसे उनका विकास रुक जाएगा उनके उनका, उनका डेवलपमेंट रुक जाएगा डेवलपमेंट नहीं होगा सो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द सीड आर डिस आउट तो ये महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण है कि सीड का क्या हो डिस्पर्स हो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वे पर वे जाकर ग्रो करें नेचर हेल्प्स द सीड टू ट्रेवल अवे फ्रॉम द पैरेंट प्लांट तो इसमें क्या होता है कि पैरेंट प्लांट के से काफ़ी दूर जाकर पौधे ग्रो करे इसमें हेल्प करता है नेचर ओके दिस प्रोसेस ऑफ स्केटरिंग ऑफ सीड इज कोल्ड सीड डिस्पर्सल इस प्रोसेस के द्वारा सीड का स्केटरिंग होना फैलना एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक कहलाता है सीड डिस्पर्सल क्लियर है बच्चों सीड्स आर स्केटर्ड इन डिफरेंट वेज बाय वेरियस एक्सटर्नल एजेंट लाइक विंड वाटर इटीसी जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सीड का जो डिस्पर्सल होता है वह बहुत सारे मीडियम के द्वारा होता है माध्यम के द्वारा होता है ओके इसमें विंड वाटर एनिमल्स एक्सेट्रा दे आर कोल्ड एजेंट ऑफ डिस्पर्सल डिस्पर्सल में जो भी एजेंट वर्क करते हैं उन्हें कहा जाता है एजेंट ऑफ डिस्पर्सल अब हम पहले एजेंट विंड के विषय में स्टडी करेंगे डिस्पर्सल बाय विंड। डिस्पर्सल बाय विंड सीड्स देट आर वेरी लाइट एंड स्मॉल यूजली गेट डिस्पर्स बाय विंड वैसे सीड जो काफ़ी हल्के होते हैं लाइट होते हैं और छोटे होते हैं वे आसानी से हवा के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक उड़ चले जाते हैं और वे वहाँ ग्रो करते हैं सीड्स ऑफ कॉटन हिपटेज एंड डेंडेलियन हैव लॉन्ग हेयर इनमें काफ़ी लंबे हेयर होते हैं छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं अराउंड देम इनके चारों ओर जो अलाउंग देम टू बी कैरिड अवे जो विथ बाय देंड ताकि वे हवा के साथ उड़ सके यहाँ पर देखें इस तरह के उनमें फाइबर होते हैं हेयर होते हैं सीड में सीड के चारों ओर और, और ये जब हवा के संपर्क में आते हैं तो ये हवा के साथ काफ़ी दूर तक उड़ सकते हैं क्लियर है बच्चों सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक मेपल जैकार्डा एंड हैव विंग लाइक स्ट्रक्चर इनका जो स्ट्रक्चर होता है यह पंखों की तरह होता है विंग की तरह होता है जो उन्हें फ्लोट करने में हेल्प करता है एयर में और इस तरह से इनका क्या होता है डिस्पर्सल होता है ओके बच्चों यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है मेपल का उसके बाद है डेंडेलियन कॉटन ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा अगला टॉपिक है डिस्पर्सल बाय वाटर नेक्स्ट एजेंट है वाटर वाटर से किस प्रकार डिस्पर्सन दिस्पर्स, होता है डिस्पर्सल होता है तो फॉलोइंग वाटर कैरीज सीड ऑफ प्लांट दैट ग्रो इन और नियर वाटर बॉडीज वाटर के द्वारा बहुत सारे सीड का डिस्पर्सल होता है hmm. जो आसपास में वाटर बॉडीज़ हैं उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कोकोनट विच विल ग्रो नियर सी कोस्ट इज होलो फ्रॉम इनसाइड एंड इज कवर्ड विद थीक फाइबरस रफ हेयर ऑन द आउटसाइड कोकोनट प्लांट जो ग्रो करते हैं समुद्र के कोस्ट पर उन कोकोनट का बीच वाला पार्ट होलो होता है जिनके अंदर कवर होता है बहुत ही मोटे फाइबरस रफ हेयर का इनके बाहर में ओके दिज रफ हेयर हेल्प इट टू फ्लोट ऑन वाटर ये रफ हेयर नारियल को हेल्प करते हैं वाटर के साथ फ्लोट करने में तैरने में अ कोकोनट फाल फ्राम अ ट्री इंटू वाटर इट फ्लोट एंड ट्रेवल विद द वेव विच डिपोजिटेड डिपोजिट इट फार अवे वेयर इट ग्रो इंटू अ न्यू प्लांट जब नारियल प्लांट से नारियल का फ्रूट्स पानी में गिरता है तब यह वाटर के साथ फ्लो होता है और वाटर के वेव के द्वारा यह बहुत दूर किसी कोस्ट पर किसी किनारे में रुकता है और जहाँ पर यह स्टो होता रुकता है ठहरता है वहाँ पर यह जर्मिनेट हो जाता है द स्पोंजी लोटस फ्रूट द स्पोंजी लोटस फ्रूट इज आल्सो डिस्पर्स्ड बाय वाटर लोटस के जो फ्रूट्स होते हैं वो काफ़ी स्पोंजी होते हैं और ये वाटर के साथ काफ़ी दूर तक फ्लो कर सकते हैं क्लियर है बच्चों नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय एनिमल एनिमल भी क्या है एक डिस्पर्सल का एजेंट है ओके ह्यूमन बीइंग एन एनिमल ऑल्सो हेल्प डिस्पर्स सीड वमेन बींग और एनिमल्स सीड के डिसन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं वी थ्रो अवे सीड आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स लाइक चेरी मैंगो पपाया एंड एप्पल बर्ड्स एंड एनिमल ईट होल फ्रूट एट वंस हम होता क्या है कि बच्चों आप कभी खाते हैं मैंगो तो उसका जो सीड होता है उसे फेंक देते हैं जहाँ फेंकते हैं वह वहाँ ग्रो करता है चेरी का हो या एप्पल का हो किसी भी चीज़ का सीड को हम जहाँ फेंकते हैं वे वहाँ ग्रो कर जाते हैं इसी प्रकार बर्ड्स क्या करते हैं कि फ्रूट्स के साथ साथ सीड को भी खा लेते हैं और जहाँ वे डंप करते हैं वहाँ पर वे पौधे ग्रो करते हैं क्लियर है बच्चों प्लेस एयर पास आउट द अनडाइजेस्टेड सीड आफ्टर समाइम्स एट अनदर प्लेस सच सीड्स दस जर्मिनेट एट प्लेस फार अवे फ्रॉम द पैरेंट प्लान्ट अगर कोई चिड़िया किसी प्लांट से किस किसी फ्रूट को खाती है तो उसके साथ वह सीड को भी खा जाती है और सीड का डाइजेसन नहीं होता है जिसे जब चिड़िया कहीं फार्म प्लेस पर जाकर डंप करती है तो फिर वहाँ पर उस प्लांट का जर्मिनेशन होता है ओके बच्चों समेब हुक्स स्पाइंस, थ्रोन्स और स्टील हेयर ऑन देम, विच गेट अटेस्ड टू द फर ऑफ एनिमल्स पासिंग बाय फिदर्स ऑफ बर्ड्स एंड इवेंट टू अकर क्लोथिंग इवेंचुअली दे गेट डिस्पर्सल डिस्पर्स टू डिस्टेंस प्लेस एग्जाम्पल पुपेलिया जेनेथियम ये दोनों प्लांट पुपेलिया और जेनेथियम ये ऐसे हैं जो एनिमल्स के हेयर के साथ अटैच हो जाते हैं और जल्दी छूटते नहीं हैं और एनिमल जब जहाँ जहाँ जाते हैं और जहाँ पर यह गिरता है वहाँ पर इनके प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं ओके okay, बच्चों और ये बाल में भी कुछ इस तरह चिपक जा, चिप, जब चिपकते हैं तो ये जल्दी निकल नहीं पाते हैं क्लियर है नेक्स्ट है डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन एक्सप्लोस एक्सप्लोजन मीन्स होता है विस्फोट के द्वारा डिस्पर्सन सम फ्रूट्स लाइक पीस ब्लेसम ब्रस्ट ओपन और एक्सप्लोड वेन दे रिपेन तो <coughs> कुछ पौधे जैसे पीस हो गए बा, बालसम हो गए ये सभी पक जाने के बाद धूप लगने के बाद ब्रस्ट करते हैं एक्सप्लोड करते हैं तब क्या होता है द सीड पोप आउट एंड गेट स्केर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट तो इनके जो सीड होते हैं मदर प्लांट से कहीं दूर जाकर ग्रो करते हैं ओके okay? ओके okay, बच्चों नेक्स्ट है टाइम टू आंसर चूज द ओड वर्ड फ्रॉम ईच ग्रुप वाटर एयर ह्यूमिडिटी तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर